लॉर्ड्स शूज एंड बैग्स पेश करते हैं कंप्लीट कलेक्शन, सैंडल्स, शूज, हैंडबैग्स, ट्रैवल बैग्स भी, फैंसी डिजाइन, हाई हील्स, कैजुअल, ऑफिस वेयर, डेली वेयर। लॉर्ड्स शूज एंड बैग्स सेल्फ मैन्युफैक्चर है अफोर्डेबल प्राइस के साथ अप टू 50% डिस्काउंट। तो आज ही आए लॉर्ड्स शूज एंड बैग्स। मुंब्रा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दादा हरि केचौरे ने तनवर नगर स्थित आज एनसीपी पार्टी कार्यालय पर कलबा मुंब्रा विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान और तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। आपको बता दें कि हाल ही फिलहाल में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दादा हरि केचौरे ने मुंब्रा पुलिस स्टेशन का कार्यभार संभाला है और आज एनसीपी पार्टी कार्यालय पर शमीम खान ने दादा हरि केचौरे का सम्मान सत्कार किया है। इसके अलावा रेहान पीतलवाला, बबलू सेमना, शिवा जगताप, मुमताज शाह, शारिक शेख, अन्य एनसीपी के तमाम कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक चौरे साहब का सम्मान सत्कार किया है। इसके अलावा शहर के तमाम मुद्दों के साथ साथ शमीम खान ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। मुंब्रा कौसा में बढ़ते नशे के कारोबार पर पुलिस कार्रवाई करे और साथ ही मुंब्रा पुलिस स्टेशन में झूठे FIR न दर्ज किए जाए, ऐसी मांग कलवा मुंब्रा विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान ने वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दादा हरि केचौरे से की है। और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ने शमीम खान को आश्वासन दिया है कि आपके द्वारा किए गए मांग पूरी तरह से की जाएगी। शमीम भाई, आज मुंब्रा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक चौरे साहब का यहाँ पर सम्मान सत्कार किया गया, क्या कहेंगे इस मौके पर आप? मैं सबसे पहले दीपावली के शुभ अवसर पर मैं तमाम देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं पेश करता हूं और अल्लाह ताला से दुआ करता हूं आज दीपावली के इस मौके के ऊपर, अच्छे शुभ अच्छे मौके के ऊपर, कि देश और दुनिया के जो हालात हैं, चाहे कोरोना हो, चाहे कहीं ना कहीं आज देश में भूखमरी हो, कहीं ना कहीं आज हमारी बच्चियां सेफ़ नहीं हैं, हिंदुस्तान सेफ़ नहीं है, इन हालात को देखते हुए मैं यही कहना चाहता हूं कि अल्लाह ताला इन सब मामलात के ऊपर जो हालात है उस पर अल्लाह ताला रहम और करम फरमाए, मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूं। उसके बाद आज हमारे विधानसभा कार्यालय राष्ट्रवादी ऑफिस के ऊपर हमारे मुंब्रा कौसा के हमारे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, हमारे सीनियर इंचार्ज चौरे साहब, जो कुछ ही दिनों के पहले साहब का मुंब्रा में हम लोगों ने यहाँ पे उनका इस्तकबाल किया है, हमारे साहब को यहाँ पे मुंब्रा पुलिस स्टेशन का इंचार्ज बनाया गया है, हम लोग हमारी पार्टी की तरफ से, खास करके हमारे नेता हाउसिंग मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब की तरफ से और पूरे मुंब्रा कौसा के तमाम वो नगर सेवक, नगर सेविकाएँ और हमारी एक्टिव संगठन की तरफ से मैं साहब का मैं पुरखलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ और सर का मैं आज इस्तकबाल करता हूं और ये कहना चाहता हूं और उम्मीद दिलाना चाहता हूं कि सर से हमें दो ही चीज़ के लिए खास करके ध्यान देना है। देखिए, साहब मुंब्रा कौसा के सीनियर इंचार्ज हैं, मैं साहब से ये विनती करता हूं कि सर आपसे बहुत सारी उम्मीदें हमारे धर्मगुरु, हमारे पंडित जी, हमारे जितने इमाम NGOs ऑल पार्टीज के लोगों को यही उम्मीद है सर कि हमेशा इस शहर ने सर गंगा जमुना की तहजीब की तरह एक दूसरे को प्यार किया है, प्यार दिया है, चाहे वो दीपावली हो, चाहे वो होली हो, चाहे वो ईद हो, चाहे वो कुर्बानी का मौका हो, सर यहाँ पे कभी आज तक ये नहीं हुआ कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, हम सब ने मिल करके ईद भी मनाई, दीपावली भी मनाई और इस शहर ने सर एक अच्छा गंगा जमुना का तहजीब का एक सर संदेश दिया है। सर हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि मुंब्रा कौसा के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा ड्रग्स को लेकर के मामला है सर, या हम पे कुछ हमारे नौजवान बच्चे सर थोड़ा सा उसमें एडिट है, मैं आपसे विनती करता हूं सर कि आपकी पूरी ताकत सर आप शहर को लेकर के सर आप इसके ऊपर लगा दें। दूसरी बात सर, हम आपको याद दिलाना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से, क्योंकि सर आप तो भी नए हैं, आए हैं वहाँ पर, कि तकरीबन 5 साल के पहले हमारे हजरत मौलाना मोइन मियां अशरफ साहब की क़यादत में और नेतृत्व में हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, सैयद अशरफ भाई साहब के शानू भाई, हम लोगों ने मिलकर के सर यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक सर पीस मार्च निकाला था
तकरीबन मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 10,000 लोग उसमें रहेंगे इस्लामुद्दीन भाई, नीलेश भाई। तो उसके बाद बहुत कंट्रोल हुआ था सर ये ड्रग्स, लेकिन सर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ये शहर में है, तो सर आप सबसे पहले इस पर ध्यान दें। दूसरी बात सर कि आप तो काफ़ी पुराने, मैं जहाँ तक आपकी जानकारी लिया हूँ सर कि शायद आप तीसरा चौथा पुलिस स्टेशन आपका है सर, कि आप PI होकर के सर मुंद्रा में आए हैं। सर आप इसके पहले नौबड़ा पुलिस स्टेशन में थे, हमें पूरी रिपोर्ट है कि आपने वहाँ भी अच्छा काम किया है। सर कोई भी इंसान कभी पुलिस स्टेशन में झूठे केस दर्ज कराने के लिए आए, जब तक उसका एविडेंस ना हो सर, सर किसी पर कोई FIR ना हो, ये भी आपसे हम एक मांग करते हैं। तो तीसरी बात यह है सर कि हालत जिस तरीके से मुंद्रा में बाइक राइडर्स, बच्चे और हॉकर्स को लेकर के सर यहाँ पे थोड़ा परेशानियाँ हैं, साहब थोड़ा इस पर आप ध्यान दें। मैं आपको वादा करता हूँ सर कि मुंद्रा कौसा की आवाम ने जितने भी सीनियर इंचार्ज यहाँ पे आए हैं सर, एक अपना बड़ा भाई, अपना एक बेटा, अपना एक दोस्त समझ करके लोगों ने प्यार किया है, और राष्ट्रवादी के परिवार ने तो और मिनिस्टर साहब ने सर तो हमेशा किया है। तो सर मैं आपको मेरे तरफ से ये वादा करता हूँ कि मैं एक पार्टी का विधानसभा का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं आपसे वादा करता हूँ मेरी पार्टी की तरफ से सर, हमारी पार्टी की तरफ से कभी ऐसा नहीं होगा कि सर आप किसी पर कोई झूठा केस दर्ज कर दें, किसी के ऊपर सर आप कोई भी एक्शन ले लें। सर आपको उसका अधिकार है, आपको उसका राइट्स है, हम लोग उतनी बात करेंगे सर जो चीज़ सर सही होगी, जायज़ होगी। हमारी तरफ से कभी आपको कोई ऐसा कॉल नहीं आएगा कि साहब आप इन पर गलत केस कर दें, आप ये कर दें, और अगर आपको आता भी है साहब तो आप मत कीजिएगा, ये भी मैं कहूँगा मीडिया के माध्यम से। फिर आखिर में सर मैं आपको मेरी पूरी पार्टी के संगठन की तरफ से, नगर सेवक की तरफ से, खास करके मेरे नेता हाउसिंग मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र दवार साहब की तरफ से सर मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ सर, मैं खैर मकदम करता हूँ, और सर हम लोग मिलजुल के सर पार्टी के साथ में, हमारे मुंद्रा शहरवासियों के साथ में, हम लोग शहर को सर जिस तरीके का मिनिस्टर साहब का एक सपना है, मैं बार बार कहता हूँ कि मुंद्रा कौसा संघाई के नक्शे कदम पे चल रहा है, इंशाअल्लाह ताला सर आगे भी इसी कोशिश के साथ मुंद्रा कौसा को, कलवा को एक खूबसूरत अंदाज में लेके जाना है, एक गंगा जमुना तहजीब के तरीके से लेके जाना है सर, हमारा यही मिशन है, हमारी यही सोच है। सर आप आए हैं पार्टी ऑफिस पे सर, उसके लिए आपका हम धन्यवाद करते हैं सर, थैंक यू सर, शुक्रिया। सर क्या कहेंगे आज यहाँ पर आपका जो है सम्मान सत्कार किया गया है, खासतौर पर दिवाली का भी मौका है, और शमीम भाई ने एक बात और कही है नशे को लेकर जिस तरह से आप लोगों को काम करना है उस पर भी आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं ये बात कहता हूँ कि यहाँ पर पहले मुंद्रावासी है, खास करके राष्ट्रवादी पार्टी वालों ने मुझे यहाँ पर बुलाया, सम्मान किया, तो तहे दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी तो मैं अभी 8 दिन हो गए आज जी जी, तो थोड़ा थोड़ा काम मैंने चालू भी किया है। हम तो जैसा कि पहले हम नाइट में टाउन बंद करना, और नशे के ऊपर मैंने आप सुझाव देने तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि उसके ऊपर मेरा पहले ही काम मैंने चालू किया, बहुत अच्छा। तो आपको कुछ ही दिन में उनका रिजल्ट भी दिखने मिलेगा। खाली मैं ऐसा एक आदमी हूँ, बहुत ज़्यादा 30 साल की उम्र में हम बात करने से ज़्यादा काम पे ज़्यादा विश्वास करता हूँ। तो आपको आगे आने वाले दिन में हो देखने को मिलेगा, और आपका प्यार देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, और ऐसा ही प्यार हमें मिले इसकी उम्मीद रखता हूँ। थैंक यू।